वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जो कानून की आवाज, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज लेटेस्ट वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ आपको मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल आइकन को जो दबाना भी जरूरी है, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज बात करते हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। जब तक आप अंत तक नहीं देखोगे जब तक आपके समझ में नहीं आएगा। दोस्तों मान लो अगर पत्नी पति को तलाक नहीं देती है तो पति किस प्रकार से उससे छुटकारा पा सकता है, क्या 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 कारण लेके वो कोर्ट में जा सकता है, किस प्रकार से छुटकारा पा सकता है। मान लो पति और पत्नी में अनबन है, पत्नी पति को तलाक नहीं देना चाहती लेकिन पति पत्नी से तलाक लेना चाहता है, तो उस स्थिति में आप किस प्रकार से निपटोगे और किस प्रकार से तलाक ले सकते हो। दोस्तों सबसे पहले अगर आप तलाक लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप सेक्शन 9 का दावा कीजिए। दोस्तों सेक्शन 9 का दावा करना इस ओर दर्शाता है कि वे व्यक्ति ले जाना चाहता है लेकिन लड़की जाना नहीं चाहती। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी नहीं कि आप सेक्शन 9 का दावा करें, इसके साथ साथ आप पत्नी से किस प्रकार से परेशान हो, किस प्रकार से तंग करती है, सारी चीजें आप तलाक का जो सेक्शन 13 भी सेक्शन 13 आप पेश करोगे उसमें सारी चीजें लिखना पड़ेगी, क्योंकि पत्नी द्वारा आप किस प्रकार दुखी हो, पत्नी ने आपसे क्या किस प्रकार से परेशान करती हो, सारी चीजें उस जो प्रार्थना पत्र है जो 13 है सेक्शन 13 उसमें लिखना पड़ेगा, सारी चीजें बतानी पड़ेगी। अगर आपके पास उसकी ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है, आपके साथ वॉइस रिकॉर्डिंग है, आपको परेशान करने के या उसके घर वाले आपको परेशान करें, सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों इसके साथ साथ वो सारी चीजें आपको एविडेंस के तौर पे रखना पड़ेगा, और जिस प्रकार पत्नी आए दिन आपसे क्रूरता करती हो, आपसे खाना नहीं बनाते हो, आपसे परेशान करते हो, आपके घर वालों को परेशान करती है और घर वालों को अलग घर वालों से अलग रहने की जिद करती है, तो भी आप तलाक ले सकते हो। दोस्तों इस प्रकार आपको पत्नी से तलाक पाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ आपके अड़ोस पड़ोस भी जो भी है उनका एविडेंस करानी पड़ेगी कि वास्तव में जो इनकी पत्नी है वह इनसे व्यवहार ठीक नहीं है, आए दिन लड़ाई झगड़े करते हैं और इनके पिता जो माँ बाप है उनको खाना नहीं देती है। इस प्रकार की आपको एविडेंस, इस प्रकार की चीजें रखनी पड़ेगी जब भी आप तलाक पा सकते हो। दोस्तों इसलिए अगर इस प्रकार की आप चीज नहीं रखोगे, पिटीशन में इस प्रकार का चीजें नहीं लिखोगे, अड़ोस पड़ोस जो व्यक्ति है उनके भी आपको गवाही करानी पड़ेगी, उस व्यक्तियों द्वारा ये कहलाना पड़ेगा कि आए दिन इस की औरत ने इस प्रकार से ये तंग करती है, आए दिन इनके जो कोई मिलने वाले आते हैं उनसे परेशान करते हैं, उनके माता पिता को रोटी देने से मना करती है और अलग होने की जिद करती है। इस प्रकार के सारे पॉइंट्स आपको रखने पड़ेंगे, इस प्रकार की सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। अगर दोस्तों इस प्रकार सारी चीजें आप कर पाते हो तो आपको पत्नी से तलाक मिलना संभव है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर कोई आपको इस वीडियो के बारे में कोई जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा, जरूर आपको इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों लेकिन दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक जरूर करते, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और ऐसे ही मैं नए नए वीडियो बनाता रहूं।